नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग रो म्यूजिक सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को एनक्लोज़र के बारे में बताऊंगा कि एनक्लोज़र हमें कैसे बनाने चाहिए और उनमें क्या क्या चीज़ें खास होती हैं। दो तीन चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके अंदर आज वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, जो अपने चैनल पर नए भाई आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन, सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, साथ के साथ आपको वो वीडियो सामने आपके आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमारे एनक्लोज़र में खास होती हैं? तो सबसे पहली चीज़ होती है हाई क्लास MDF, उसके बाद आते हैं हमारे कॉर्नर, उसके बाद आता है डिज़ाइन, और उसके बाद आती है हमारी ब्रेसिंग। तो ये तीन चार चीज़ें होती हैं जो हमारे एनक्लोज़र को खास बनाती हैं। इसके अलावा एनक्लोज़र में कुछ नहीं, सिर्फ ठोकना है, बना देना है और बजा लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारे कॉर्नर, ये चीज़ ध्यान रखना। ये कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर, और ये यहाँ से आपको राउंड दिखाई दे रहा होगा ये चीज़, और यहाँ पे कॉर्नर, हमारे ऊपर भी कॉर्नर होते हैं, जो पोर्ट है साइड में वहाँ पे भी हमारा एक कॉर्नर लगाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो एयर होती है, जो एयर का फ्लो होता है, जब एयर को कभी अंदर सबवूफर अंदर खींचता है, कभी बाहर खींचता है, तो उसका जो प्रेशर होता है, या फिर आप ये चीज़ समझ लो कि जो एयर है वो बड़ी आसानी से इसके अंदर से निकल जाती है। जैसे यहाँ से एयर आएगी, यहाँ से उठ के हमारी यहाँ से भी आएगी एयर, तो यहाँ से भी बड़ी आसानी से मुड़ के अंदर चली जाएगी। और जो ये आपको ऊपर राउंड दिखाई दे रहा है ये चीज़, तो यहाँ से क्या होता है, जब हमारी एयर निकलती है, तो अगर जो हम नॉर्मल लगाते हैं, तो जब एयर निकलती है तो हमें फर्र फर्र की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं उससे। तो फर्र फर्र की आवाज़ें बंद करने के लिए इसको थोड़ा सा घुमाया जाता है, ताकि जो एयर है वो बड़ी सॉफ्टली यहाँ से निकल जाए, उससे हमें फालतू की एयर की आवाज़ें नहीं आती। और जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर बनाने से जो एयर है वो बड़ी आसानी से निकल जाती है। इसका काम सिर्फ इतना होता है, जिससे हमारे एनक्लोज़र की एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं हाई क्लास MDF। अब हाई क्लास MDF से क्या होता है, हाई क्लास MDF जो होता है वो हमारा अच्छी क्वालिटी का जो MDF होगा वो उतनी ही वाइब्रेशन को कम करेगा। जैसे ही हमारे एनक्लोज़र के अंदर कोई चीज़ बजती है, तो वो एक वाइब्रेशन करता है, जिससे जो एयर है वो एयर उस तरीके से नहीं निकल पाती जिस तरीके से उसको निकलना चाहिए वाइब्रेशन से। ये चीज़ है। और जो उससे आगे आता है हमारा, वो आती है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग मतलब हम एनक्लोज़र को सपोर्ट देते हैं, ताकि हमारा एनक्लोज़र वाइब्रेशन ना कर सके। हमारे इंडिया में बहुत कम यूज़ की जाती है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो मेहनत एनक्लोज़र पे हुई है, या जो खर्चा एनक्लोज़र पे हुआ है, वो लोग नहीं दे पाते। ये बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है वही लोग इस चीज़ को करते हैं, जिनको नहीं पता उनको ये चीज़ें फालतू लगती हैं और पैसा वेस्ट लगता है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी होता है, सच बताऊँ तो ब्रेसिंग हमारे एनक्लोज़र में होना ज़रूरी है। तो अब जो बात थी, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं हाई क्लास MDF। हाँ, उसके बाद अपना आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो डिज़ाइन है, क्योंकि हर एक सबवूफर के पैरामीटर जो हैं वो अलग होते हैं। ये मैं काफ़ी बार वीडियोस में बता चुका हूँ, हर एक सबवूफर के पैरामीटर अलग होते हैं। और जब आप अपने टेस्ट के हिसाब से एनक्लोज़र को बनाते हो, तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास उस हिसाब से डिज़ाइन हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। एक दो डिज़ाइन और मैं फ्री वाले आपको दे दूंगा, जो नॉर्मली सबवूफर में चल जाते हैं, वरना बाकी तो भाई देखो, अगर जो आपको कुछ अलग चाहिए तो वो तो पेड़ होगा ही। बट ये है कि एक दो डिज़ाइन मैं आपको और दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा। वैसे तो बहुत सारी वीडियो मैंने पीछे भी बनाई हुई हैं फ्री वाले डिज़ाइन की, वो डाल दूंगा मैं अपने चैनल पे, अभी नई वीडियोस, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सबवूफर के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, बस हाई क्लास MDF आप यूज़ कर सकते हो, कॉर्नर बनाओ इसके अच्छे, अगर ब्रेसिंग कर सकते हो तो ब्रेसिंग करो। उसके बाद चौथा हमारा डिज़ाइन।
तो इस इन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता इनक्लोज़र में। अगर ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो भाई फिर आपको आपकी गाड़ी जो बजेगी वो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बजेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा देता हूँ। बाय बाय।